उद्बोधन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल श्री रामपुर शर्मा का, इन्होंने उन्नति का खिलाड़ियों को एक शपथ लेनी होती है खेल भावना को प्रदर्शित करने के लिए, वही शपथ खिलाड़ियों के द्वारा ली जा रही है। उसके बाद हम मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन सुनेंगे, आगाज होगा इस प्रतियोगिता का। हेलो, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं रणजीत खेल भावना और खेल नियमों का पालन करते हुए इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कोई प्रतिबंधित पदार्थ मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन बस आग जलनी चाहिए, ऐसा ही संदेश देने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। आप अपना उद्बोधन इस मंच प्रदान करें। आज के इस महत्वपूर्ण तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स जयंती प्रतियोगिता के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी, यहाँ के वरिष्ठ संयुक्त सचिव आदरणीय के एन उपाध्याय जी, यहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रामधाम शर्मा जी, कर्नल अरविंद झा जी, यहाँ के पदाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री रोहन शाह जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, वास्तव में आज मेरे लिए एक बड़ा दिन है। मैं वाराणसी की धरती पर आकर बहुत खुश हो गया और अभी मैं विचार कार्यक्रम कर आता और मैं बड़े व्यस्तता के दौर में यहाँ पर मुझे आना था, अचानक फिर के एन उपाध्याय जी मुझे मिले और इन्होंने मुझसे कहा कि वाराणसी में 35 साल से लेकर 100 साल तक के खिलाड़ियों का समागम हुआ, व्यक्तित्व देखकर मुझे लगा ये खिलाड़ी बाबा रहा है और मैंने सहज रूप से मान मान वाराणसी में करा रहा है तो 200-250 लोगों का कार्यक्रम होगा और मैंने इस अवस्था में इनकी भावना होना मुझे आप लोगों के सामने के लिए होगा। लेकिन आज मैं वास्तव में हिला रहा हूं और अंतर मन से प्रसन्न रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में उनकी अपनी राशि में उनकी मां मांग के पवित्र भूमि पर जो हमने भारत का समागम देख रहे एक तरफ मुझे वास्तव में आज यहाँ और इन जो चेहरा था वो देखकर नौजवानों के खेल को खेल कर
मुझे ये और एक महिला और 98 मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ये वो भावना है जो देश को एक करती है। खिलाड़ी आजन्म खिलाड़ी रहता है। और मैं कहूंगा कि आज जो आपका कार्यक्रम है इसको देखने के लिए नौजवान खिलाड़ियों को बुलाना चाहिए था, वो आज आकर यहां से प्रेरणा